अभी जा रहे हैं हम ऊपर थोड़ी छोटी सी पिकनिक करने। पहाड़ी रास्ते हैं, ये देखिए ऊपर आज पिकनिक का जुगाड़ कराया हमने। थोड़ा वहाँ पे खाना बनाएंगे, कुकिंग करेंगे और एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द हिमालयन स्टोरी में और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हमने पिकनिक का अरेंजमेंट करा है, मेरे दोस्त रिनावत ने और उनके दोस्तों ने पिकनिक का अरेंजमेंट करा है एक स्पॉट पे। तो वहाँ जा रहे हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, थोड़ा चलने में तक दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है क्योंकि आदत नहीं है और गाँव काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर भी है, ऊपर है, ऊँचाई पर भी है। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे रास्तों में आपका अक्सर सांस फूलना जायज़ है। बट मैंने अपना जैसे तैसे ऊपर पहुंचा मैं, और बने रहिए वीडियो के साथ। जब तक हम अपने पॉइंट पर पहुँचते हैं पिकनिक की जगह पे, तब तक दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और शेयर करना ना भूलें इसको, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों हम बस लगभग ही पहुँचने वाले हैं अपने उस स्पॉट पर जहाँ हमने पिकनिक का अरेंजमेंट करा है, फिर देखते हैं आगे का फर्दर कैसे हम आगे क्या अरेंजमेंट है उनका कुकिंग का। कुछ गांव पहाड़ी स्टाइल में कुकिंग करेंगे, वहीं चूल्हा बनाएंगे, वहीं पकाएंगे, वहीं से लकड़ी का अरेंजमेंट आपका अरेंजमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों सब तैयारी हो चुकी है, तैयारी कर रहे हैं आग जलाने की और साथ ही कुकिंग का मटेरियल सारा लेके आ चुके हैं हम। देखते रहिए आप वीडियो में। टमाटर भी ला रखा है, ये क्यों जो जाएगा इसमें? तुमको आग लगानी नहीं आती यार। आग लगाने का नहीं, आनंदपुर कौन था यार? आनंदपुर बोले तो तू तो आनंदपुर ही है, पर गढ़वाली में हमारे गढ़वाली आनंदपुर आनंदपुर कहते हैं उसको। आनंदपुर गढ़वाली में अच्छा लगता ना, मिलने में अच्छा लगता, मतलब लैंग्वेज के साथ मिक्स नहीं हो पाता। चल बता छोटे अपने आनंदपुर की खासियत बता फिर। अब हमारे आनंदपुर में खासियत बताई दोगे, लोग आग लगाने में बहुत तेज हैं। हर तरह की आग लगा लेते, जंगल वाली भी और वैसे वाली भी। यहाँ से पानी आता है बरसात में, ये पूरा आप खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं होंगे। वो है ना, ये ऊपर से बहता हुआ रगड़ा बह के आता है, उसमें आता है, तब ये हर जगह होते हैं। तो ये सही जगह है इन चीजों को खाने के लिए, नॉन वेज करते हो ना पहले से? हाँ हम इसीलिए वहाँ नहीं गए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं करनी चाहिए चीजें। वहाँ पर नहीं करा हमने, जहाँ पे हम अमरूद तोड़े ना
इसीलिए शराबी आदमियों को, जो शराबी जो आदमी है ना, वो भगवान ने अलग से कृपा नहीं 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 भाई होता है कि तेरे लिए साथ में, वो तो बात सही है मगर बहुत फर्क भी पड़ता है। ये पहला हमारा है, पत्ता पत्ता ठूसो ठूसो को पत्ता। मैंने अजीत को भी बुलाया था यार, अच्छी बारी बारी। एक हफ्ते और रहते तो और अच्छे लग जाता, ज्यादा मत खाना पेट भर जाता है, पेट भर जाता है। हाँ। एक ही है खत्म हो जाती ना पेट, पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज है डाइजेस्ट करना। अभी फिर करें फिर आज का प्लान, रात का मुर्गी मारने का करने वही वो मुन्ना विपू मुन्ना तू मैं मूर्ति भाई चलेंगे, 5 बजे से जाना है उनको पहले देखने के लिए कौन से पेड़ पे बैठ रहे हैं वो। मारेगा कौन, वही मारेंगे, ये मार लेगा वो विपू का भी निशाना अच्छा है, क्लियर अप करेंगे ना। दो मुर्गी मर गई तो प्लान खत्म कर जाएगा पूरा। मूर्ति नाम है ना भाई का, तब बोले मार मूर्ति मार छोड़ना नहीं, इतनी देर में तो उड़ जाएगा फिर वो। अरे मूर्ति ये क्या हो रहा है यार, ये किस तरीके का चीज है, तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। अरे वो बन जाएगा, वो अंदर तक पक जाएगा, कुरमुरे से हो जाएंगे और फिर मतलब तेल ही पूरा इसमें, तेल बाद में छोड़ देगा अभी, हो अभी तो मसाले उसमें पड़ जाएंगे, तेल भी छोड़ेगा अपना चिकन भी। भाई पाप है फोटो क्या खींचने भाई, अरे मीट को ढका हो यार, इसको खुले में मत रखो भाई, कुछ नहीं भूत से पड़ते हैं वो बट तो मैं करता हूँ। ये तरफ बड़े हूँ यार, बदो इनाम अदर हूँ चाहिए पता क्या नाम, करना नहीं होगा इस समय ये लकड़ कम करना अभी के सही है।